हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आज हम बताएंगे आलू गोभी पुलाव बनाने का तरीका। शुरू करने से पहले, चैनल पे आप नए आए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 250 ग्राम मैंने गोभी ले ली है, 250 ग्राम आलू, 2 टमाटर, 10-12 हरी मिर्चें, कुछ हरा धनिया, 1 प्याज बारीक कटी हुई, थोड़ा सा अदरक, 1 चम्मच नमक, कुछ गरम मसाला, जीरा, तेज़पत्ता, काली मिर्च, लौंग, इलायची। अब स्टार्ट करते हैं। 1 चम्मच तेल डालेंगे इसमें, आप चाहे तो घी भी बना सकते हैं इसको। इसमें गरम मसाला डालेंगे हम, इसमें बारीक कटी हुई प्याज हम डालेंगे, थोड़ा सा मिलाएंगे इसको। इसमें नमक, नमक आप अपने स्वाद अनुसार रखें। प्याज को थोड़ा सा भूनना है हमें। इसमें आलू डालेंगे, ये गोभी डालेंगे इसमें, इसको ही मिलाएंगे हम। ये बहुत ही आसान, बहुत ही स्वादिष्ट है। थोड़ा सा अदरक डालेंगे इसमें, बहुत जल्दी बन जाता है ये और काफ़ी स्वादिष्ट होता है ये पुलाव, तो आप लोग एक बार ट्राई जरूर करें इसको। और इसमें हरी मिर्च डालेंगे, मिर्चें भी आप अपने स्वाद अनुसार रखें जैसे आप खाते हैं। इसको मिलाएंगे एक बार, थोड़ा सा इसको उबलने देंगे। इसमें टमाटर डालेंगे हम, टमाटरों को ही मिलाएंगे हम। इसमें 1 लीटर पानी डालेंगे हम, पानी को हम थोड़ा सा इसको मिला के थोड़ा इसको उबालेंगे। ये देखिए आप, ये उबलने लगा है। अब हम इसमें चावल डालेंगे, चावल मैंने आधे घंटे पहले भिगो लिए थे। चावल डाल के इसको मिलाएंगे अच्छे से। इसको एक बार मिला के नमक चख ले आप, नमक अगर सही है आपके हिसाब से तो इस पे हमें 1 सीटी लगाएंगे। उसके बाद थोड़ी देर भाप में पकाएंगे, अगर भाप में आपको नहीं पकाना तो आप 2 सीटी भी लगा सकते हैं। ये देखिए आप, पुलाव बिल्कुल तैयार हो गया है, चावल भी एकदम खिले खिले आए। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही स्वादिष्ट है, तो आप लोग एक बार ट्राई जरूर करें, काफ़ी अच्छा लगता है ये। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब भी करें, बेल भी दबाइए, इससे हमारी आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। मैं ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। धन्यवाद।